वेलकम टू सैम्स किचन। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी सैलेड, मैक्रोनी फ्रूट सैलेड। गर्मियों में जब कुछ खाने को दिल नहीं करता तो ये ठंडा ठंडा सैलेड फ्रूट्स के साथ खाएं, यकीन करें आप चिल हो जाएंगे, दिमाग भी ठंडा हो जाएगा और खुद भी ठंडे हो जाएंगे, बिक्री भी हाई नहीं होगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक हाफ कप जो है बंद गोभी लिए थे, उसको छोटा छोटा मतलब काट के तो मैयर किया है हाफ कप है। यहाँ मेरे पास सेब और केले हैं। फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी डालना चाहें। ठीक है जी, यहाँ पे है मेरे पास मटर बॉयल किए हुए, आलू बॉयल किए हुए क्यूब्स में कटे हुए और मैक्रोनी। अच्छा, ये मैंने जो है बॉयल की हुई है सारी चीज़ें और इनको अब जितना भी आपने शामिल करना है इसमें शामिल करना है। ठीक है जी, साथ में मेरे पास फ्रूट कॉकटेल है, इसमें से मैं फ्रूट्स शामिल करूँगी। बहुत जल्दी बनने वाली डिश है और बहुत मज़े की भी बनती है और खाते हुए बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा फील होता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कॉकटेल भी आप अपनी मर्ज़ी से डालें, कुछ मैं ऊपर शामिल करूँगी। मेयोनीज डालेंगे यहाँ पे 4 टेबल स्पून। ठीक है जी, मैंने कप में नहीं निकाल के रखी थी। अच्छा जी, फ्रेश क्रीम भी डालेंगे हम, ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून के करीब फ्रेश क्रीम इसमें जाएगी। नमक हसबे जायका, जितना भी आपको पसंद हो। वेजिटेबल्स को बॉईल करते हुए, मैक्रोनी को बॉईल करते हुए मैंने इसमें नमक शामिल किया। काली मिर्ची डालनी है आपने, वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं जो यहाँ पे 1/4 टीस्पून कह लें इतनी डालूंगी। ठीक है जी, पाउडर शुगर डालेंगे हम 3 टेबल स्पून के करीब। अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं पसंद तो आप कम कर सकते हैं, बट इतनी इसमें जाएगी। तो चलें जी इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से और फिर चेक करते हैं कि हमें इसमें और क्या चीज़ शामिल करनी है। हमारा मैक्रोनी फ्रूट सैलेड रेडी है। अगर आप इसमें चाहें तो आप इसमें चिकन शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें इस जो सैलेड है इसमें चिकन पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसमें चिकन शामिल नहीं करती। ये मुझे मैक्रोनी और पीस मटर और आलू और फ्रूट्स के साथ ही अच्छी लगती है। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलें जी, ये हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको जो है इस पॉइंट पर आप टेस्ट कर सकती हैं कि अगर आपको कुछ और शामिल करना है तो आप शामिल कर सकते हैं। और इसको आपने बॉल में डाल के कवर करके फ्रिज में रख देना है, एटलीस्ट 2 घंटे रखिएगा ताकि अच्छी तरह चिल्ड हो जाए, तो फिर सर्व कीजिएगा। जी तो मैंने सैलेड डिश आउट कर दी है और जो जितने भी कलर्ड फ्रूट हो ना, जिनका खूबसूरत से कलर हो, उससे आप इसको डेकोरेट करें, इसको जो गार्निशिंग करें तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान, बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत मज़े की, टेस्ट में बहुत मज़े की है। इसके बाद आपको खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इतनी मज़े की है, लेकिन इसको ज़रूर चिल्ड सर्व कीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही मैं सैम्स किचन से इजाज़त चाहती हूँ। अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, रेसिपी ज़रूर ट्राई किए, कमेंट्स किया करें। कोई रेसिपी आप मेरे तरीके से सीखना चाहते हैं तो काइंडली वो भी आप मुझसे, और अगर मुझे मेरी रेसिपी में आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कि आप जो है मतलब रेसिपी में कोई भी आपको लगता है, सबका डिफरेंट वे होता है, तो आई डोंट माइंड अगर आप मुझे बताना चाहेंगे तो। यू आर मोस्ट वेलकम, सबको ज़रूर बताया कीजिएगा मुझे। और चले मैं फिर इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।